ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। एयर कंडीशनर है, नमस्कार जी। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन सब्जी मंडी से हम आपके साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुबह सुबह का वक्त है, मंडी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मटर की लोडिंग का काम इस वक्त चला हुआ है, दूसरे राज्यों को मटर यहां से लोड किया जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि चारों तरफ ट्रक के केले के पत्ते लगाए गए, एयर कंडीशन का काम करेगा क्योंकि दूसरे राज्यों में इस वक्त लू चली हुई है, टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है और मटर कहीं रास्ते में ख़राब ना हो जाए और नमी बनी रहे, तो इसके लिए केले के पत्ते चारों तरफ लगाए जा रहे हैं ताकि मटर का गर्मी से बचाव किया जा सके, तेज़ धूप से बचाव किया जा सके और जो ताजगी मटर की सोलन सब्जी मंडी में है वही ताजगी जब दूसरे राज्यों की मंडियों में मटर पहुंचेगा तो कायम रहे। गुजरात को भी यहां से आपूर्ति हो रही है, मुंबई को भी मटर की आपूर्ति हो रही है। तो सोलन सब्जी मंडी में आप इस वक्त देख रहे हैं कि रोडू से मटर सोलन सब्जी मंडी में पहुंचा है, करसोग का मटर सोलन सब्जी मंडी में आ रहा है। रेट अब 50 से 55 रुपये के बीच में ही चले हुए, पिछले कई दिनों से इसी तरह का भाव है। बीच में कोई लॉट बहुत ही बढ़िया है तो 60 रुपये तक भी बिक रहा है। तो सोलन सब्जी मंडी में अब मटर की आपूर्ति धीरे धीरे थोड़ी कम होती जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हाइट का मटर अभी भी सोलन सब्जी मंडी में पहुंच रहा है और आने वाले दिनों में कुछ दिनों तक मटर सोलन सब्जी मंडी में आता रहेगा। सीजन अभी चला हुआ है। तस्वीरें आप सोलन सब्जी मंडी की देख रहे हैं, रोडू की एक और गाड़ी मटर की यहाँ पर आई है, कुछ गाड़ियाँ अभी आ रही है, तो लगातार मटर की आपूर्ति मंडी में जारी है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं कि केले के पत्ते यहाँ पर बहुत सारे रखे गए हैं, तो वजह है कि जो वो गाड़ी यहाँ से मटर लेकर गुजरात या फिर मुंबई के लिए रवाना होगी तो इस तरह से पत्ते केले के चारों तरफ लगाए जाएंगे ताकि नमी को मेंटेन रखा जा सके और मटर को वहाँ पर मैदानी क्षेत्रों में जिस तरह की लू चली हुई है, गर्मी तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और गर्मी से मटर को बचाया जा सके, तेज़ धूप से मटर को बचाया जा सके, जो ताजगी मटर की सोलन सब्जी मंडी में है वही ताजगी बनी रहे, इसलिए इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है। और आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं सोलन सब्जी मंडी में मटर की लगातार आपूर्ति है। रेट की बात करें तो 50 से 55 रुपये के बीच में है, कोई एक आधा लॉट 60 रुपये तक भी जा रहा है, लेकिन जो रेट ऑन एवरेज है वो 50 से 55 रुपये के बीच में ही पिछले कुछ दिनों से बना हुआ है। रोडू से मटर की आपूर्ति अब आ रही है, जिस तरह के सूखे के हालात प्रदेश में बने हुए हैं, तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, तो उसका कारण भी है कि मटर का जो उत्पादन है वो थोड़ा प्रभावित हुआ है, फसलों को थोड़ा नुकसान सूखे से हुआ है क्योंकि तेज़ धूप है, गर्मी पड़ रही है, तो उससे मटर की फसल को भी नुकसान हुआ है, वो उसका असर क्वालिटी के ऊपर भी मटर की पड़ा है और यही वजह है कि भाव में थोड़ी सी गिरावट अब देखने को मिल रही है। सोलन सब्जी मंडी की यह तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, सुबह सुबह का वक्त है, मंडी में मटर की आपूर्ति लगातार जारी है। मार्च के महीने से लोकल मटर मंडी में पहुंचना शुरू हो गया था, मई का महीना चला हुआ है और अभी भी मटर का सीजन चला है। हिमाचल प्रदेश में इस बार मटर का बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन हुआ है और रेट की बात करें तो मटर के रेट में हमेशा ही तेज़ी बनी रही, बीच में एक समय के लिए 30 से 35 रुपये तक मटर का रेट आया था, उसके बाद 40 रुपए से ऊपर ही बना हुआ है और अब तो पिछले लंबे समय से 50 रुपए से ऊपर मटर के दाम चले हैं। और सोहन नेगी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं कुल्लू से, तो उनका हम स्वागत करते हैं। ठाकुर दोलाराम ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। राजीव सैनी नंगल जी का हम स्वागत करते हैं और थरवन पलसारा जी हमारे साथ जुड़े हैं, पलसरा जी, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। सोलन की इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, मंडी में मटर की बड़ी मात्रा में आपूर्ति है और एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि सोलन सब्जी मंडी में लहसुन की बड़ी मात्रा में आपूर्ति हो रही है, बड़ी मात्रा में लहसुन सोलन सब्जी मंडी में इस वक्त आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं। 80 रुपये से लेकर 165 रुपये तक मंडी में लहसुन बिक रहा है, कल इसी तरह के दाम थे, आज भी इसी तरह के रेट रहने की संभावना है, जिस तरह की क्वालिटी है उस तरह के रेट है। ये सेम मंडी का प्लेटफॉर्म है जहां से हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं।
रहे हैं और जो ऊपर सब्जी मंडी है आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, तो वहाँ इससे भी अधिक मात्रा में लहसुन पहुँचा हुआ है और लहसुन के रेट में अब तेज़ी देखने को मिली है। और यही वजह है कि बड़ी मात्रा में, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश में सूखे बारिश नहीं हो रही है, तो मटर अब सूखा हुआ सोलन सब्जी मंडी में मटर पहुंच रहा है और किसानों को अब अच्छे दाम भी मिल रहे हैं, लेकिन बारिश का इंतज़ार किसान कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में अब इंद्र देवता थोड़े रुष्ट नज़र आ रहे हैं। एक समय लगातार बीच बीच में बारिश हो रही थी, ओलावृष्टि हो रही थी, तो उससे भी किसान परेशान थे, लेकिन अब जब बारिश की ज़रूरत महसूस हो रही है किसानों की फसलों को, तो अब आसमान बिल्कुल साफ है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से जरूर बारिश की संभावना जताई गई थी, लेकिन लग रहा है कि उनका यह पूर्वानुमान पिछले पूर्वानुमानों की तरह सही साबित नहीं हुआ है। लेकिन आप तस्वीरें सोलन सब्जी मंडी किस वक्त देख रहे हैं कि मटर की आपूर्ति सोलन सब्जी मंडी में जारी है। रोहड़ू का मटर सोलन सब्जी मंडी में और लहसुन का रेट सर 80 रुपये से लेकर 165 रुपये तक कल बिका था और आज भी इसी तरह की रहने की संभावना बनी हुई है और इसी तरह का रेट रहेगा। हालांकि बोलियाँ 9 बजे के बाद लगती है, तो तब हम आपको बताएंगे। विजय किल्लौर जी हमारे साथ जुड़े हैं, बाल कपूर जी, ब्रह्मानंद शर्मा जी और जामटा देशराज जी जुड़ गए हैं, चंद्र लाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है सोलन सब्जी मंडी से। इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सुबह सुबह का वक्त है। सोलन सब्जी मंडी में बड़ी मात्रा में अभी लहसुन मटर की आपूर्ति हो रही है। रोहड़ू का मटर सोलन सब्जी मंडी में पहुंचा है, लोड हो रहा है गुजरात या मुंबई के लिए, यहां से मटर जाएगा। और मटर के भाव की बात करें तो मटर सोलन सब्जी मंडी में अभी भी 50 से 55 रुपये के बीच में मटर का रेट है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि रेट में और तेज़ी देखने को मिले, और लेकिन अभी मटर सोलन सब्जी मंडी से और लहसुन मेरे पीछे आप देख रहे हैं, बड़ी मात्रा में सोलन सब्जी मंडी में लहसुन पहुंच रहा है। बड़ी मात्रा में लहसुन की आपूर्ति हो रही है। लहसुन के भाव कल मंडी में 80 रुपये से लेकर 165 रुपये के बीच में रहते, इसी तरह की संभावना है। मटर की बात करें तो 50 से 55 रुपये के बीच में, बहुत अच्छा लॉट है तो 60 रुपये तक बिक रहा है। पंजाब केसरी टीवी में अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही, बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ। सब्जियों के भाव बताएंगे कि किस तरह आज सोलन सब्जी मंडी में सब्जियां बिकी है। विपिन शर्मा जी का स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप लोग बड़ी संख्या में जुड़े हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से यही प्रार्थना।